छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने रविवार को नशीली दवाओं का कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 9600 टैबलेट बरामद की है। आरोपी ये टैबलेट ऑनलाइन ऑर्डर कर कोरियर से मंगवाते थे। पकड़े गए आरोपियों में एक वेटनरी डॉक्टर भी शामिल है। जब्त दवाओं की कीमत 70,000 रुपए आंकी गई है। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि नशीली दवाई बेचने की फिराक में ओवर ब्रिज के गार्डन के पास एक स्विफ्ट कार और बाइक पर कुछ लड़के खड़े है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी की और लड़कों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान लड़कों के पास से नशीली दवाई बरामद हुई। पुलिस को कार से एक बैग भी मिला है, उसमें भी भारी मात्रा में जो है प्रतिबंधित टैबलेट्स के डिब्बे बरामद हुए।